जय हिंद एवरीवन। तो आपकी जो CDP की सीरीज़ चल रही थी, इसको चलते हैं कंटिन्यू किया जाए। और ये सीरीज़ यूपी टेट के लिए है। सो यूपी टेट के लिए जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए तो बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। सो ये फिफ्थ वीडियो है, 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक करो, ठीक है। और जितने लोग भी यहाँ नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड इज, तो साइंटिफिक मेथड से यानी कि वैज्ञानिक विधि पर आधारित है कौन सा है? इंडक्शन, स्पीच, प्रोजेक्ट, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडक्शन, आगमन। ये आपका साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड है। ओके नेक्स्ट समझते हैं कि मैच द फॉलोइंग पेयर्स, सबको मैच करना है यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियलिटी, तो सीक्वेंस में यानी कि अनुक्रमिकता का सिद्धांत, तो ये आपका मैच करेगा साइफोलोसॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि थर्ड वाले से, ठीक है। फिर आपका आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट का, तो हो गया आपका सी। ये आपका आ जाएगा यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन आपका किससे कनेक्टेड है? द डेवलपमेंट इन गर्ल्स इज़ नॉट द सेम एज इन बॉयज़, तो बी से कनेक्टेड हो जाएगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन आपका कनेक्टेड हो जाएगा ए से, ठीक है। अ चाइल्ड डेवलप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली टुगेदर, तो 4 का है डी। 4 का डी, आ नहीं सॉरी, 4 का ए है, तो 4 का ये तो 3 जगह दिख रहा है। 1 का देख लेते हैं, 1 का हमने दिखा सी, तो 1 का सी आपका एक ही जगह है, तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी एंड 4 का ए। ओके आप फिर से देख लेना इसे एक बार खुद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। रोल ऑफ टीचर्स इज डैश इन द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चिंतनशील स्तर में शिक्षण की भूमिका, शिक्षक की भूमिका डैश होती है, तो क्या होती है? ऑटोक्रेटिक होती है, या फिर लेजिस्फियर होती है, या फिर ऑथोरिटेरियन होती है, या फिर स्टूडेंट फ्रेंडली होती है? तो या ये इसका होता है अहस्तक्षेपी होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल में अहस्तक्षेपी होता है। ओके तो हर लेवल पे टीचर का रोल थोड़ा चेंज हो जाता है, तो यहाँ रिफ्लेक्टिव लेवल की बात हो रही थी, तो लेजिस्फेयर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एज पर द बिहेवियरिस्टिक व्यू, लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, या फिर थ्रू ट्रायल एंड एरर, या फिर चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस, या फिर डिपेंडिंग अपॉन द होलनेस ऑफ द सिचुएशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अवेयर वर किंडर गार्डन स्कूल्स फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड, तो कहाँ एस्टैब्लिश किए गए थे? USA में, UK में, जर्मनी में, या फिर डेनमार्क में? तो ये आपके एस्टैब्लिश किए गए थे जर्मनी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विच ट्रेनिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कैन बी यूज टू टीच अ चाइल्ड टू यूज द स्पून टू फीड हिमसेल्फ, तो कौन सा है भाई? शेपिंग, एक्सटेंशन, चेनिंग, या फिर जनरलाइजेशन? तो ये है आपका थर्ड, चेनिंग, ठीक है। स्टेप वाइज स्टेप हम लोग कुछ भी सिखाते हैं तो उसको हम लोग चेनिंग मेथड बोलते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रो टीचिंग इज सूक्ष्म शिक्षण है, टीचिंग माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर टीचिंग एट माइक्रो लेवल, या फिर प्रोवाइडिंग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, या फिर प्रैक्टिसिंग डिफरेंट टीचिंग स्किल्स सेपरेटली। तो ये है माइक्रो टीचिंग में आप क्या करते हैं, टीचिंग स्किल्स को सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ओके तो यही होगा आपका आंसर फोर्थ वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी बुक रिटन बाई, तो साइकोलॉजी की जो बुक है द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी, तो ये बुक किसके द्वारा रिटन की गई है, लिखी गई है? B.F. स्कीनर, इवन पावलोव, या फिर ई एल थॉर्नडाइक, या फिर जेम्स वॉटसन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई एल थॉर्नडाइक, ठीक है। इन्होंने ही लिखा है द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन नॉर्मल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉरगेटिंग इज कॉज्ड. तो फॉरगेटिंग भूलना विस्मरण का कारण क्या होता है? ड्यू टू बैक ऑफ प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम या फिर ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द अदर लर्नड मटेरियल या फिर ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्सिडरेशन ऑफ मेमोरी ट्रेसेस या फिर ऑल ऑफ दीज. तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सबकी वजह से भाई आपको भूलने की बीमारी हो सकती है. भूलने की बीमारी नहीं बोल सकते, मतलब फॉरगेटिंग मतलब आप अक्सर चीज़ें भूल सकते हो अगर इनमें से कुछ हुआ तो. नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट? तो गुड अचीवमेंट टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्बिगिटी या फिर वैलिडिटी. तो ये है और ये भी है, एम्बिगिटी नहीं है. तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सॉरी, ये हो गया करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एवर्सिव स्टिमुली इन ऑपरेंट कंडीशनिंग मीन्स, तो इससे क्या मतलब है? इंडिविजुअल विल नॉट डू अ पर्टिकुलर एक्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ सच स्टिमुली या फिर इंडिविजुअल विल नॉट डू अ पर्टिकुलर एक्ट बिकॉज ऑफ द डिस अप्रूवल फ्रॉम अदर्स या फिर बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज. तो भाई ये इंडिविजुअल विल नॉट डू द पर्टिकुलर एक्ट बिकॉज द फियर ऑफ सच स्टिमुली, इस तरह के स्टिमुली के डर की वजह से उन लोग काम नहीं करेगा, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा. ठीक है, एवर्सिव स्टिमुली से यही तात्पर्य है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं. वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज दैट हैप्पीनेस वेरीज एट डिफरेंट पीरियड्स इन द डेवलपमेंट पैटर्न अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल. हैप्पीनेस आपकी भाई ऊपर नीचे होती रहती है डेवलपमेंट के पीरियड में, तो इसके बारे में बताना है. द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज यूजुअली द हैप्पीएस्ट पीरियड या फिर सेकेंड द प्यूबर्टी इज द हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ लाइफ एंड द फर्स्ट ईयर इज ऑल्सो द हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ लाइफ. तो मतलब भाई पूरा ज़िंदगी खुशनुमा होगा क्या? या फिर तीसरा द प्यूबर्टी इज द मोस्ट अनहैप्पी पीरियड ऑफ लाइफ या फिर फोर द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ इज द हैप्पीएस्ट एंड द प्यूबर्टी इज द अनहैप्पी मोस्ट अनहैप्पी पीरियड ऑफ द लाइफ. तो यही होता है भाई कि प्यूबर्टी में आते आते लोग थोड़े से दुखी होना शुरू हो जाते हैं और शुरू जो बचपन के दिन होते हैं उसमें काफ़ी खुश रहते हैं. तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू इक्लेक्टिव काउंसलिंग? तो कौन सा सही नहीं है? द काउंसलर इज नीदर टू एक्टिव नॉट टू पैसिव. सेकेंड, बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द काउंसली काउंसलर चूज डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव टेक्निक्स. या फिर तीसरा, काउंसलिंग इज नॉट क्लाइंट सेंटर्ड. या फिर चौथा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग. तो इक्लेक्टिव काउंसलिंग में कौन सा ट्रू नहीं है इसके रिगार्डिंग? ये थर्ड वाला, कि जिसमें कि काउंसलिंग इज़ नॉट क्लाइंट सेंटर्ड. एक्चुअल में काउंसलिंग जो होता है क्लाइंट के लिए ही किया जाता है, ग्राहक केंद्रित ही होता है. ठीक है, तो थर्ड आपका गलत हो जाएगा, यानी कि यही सही ऑप्शन है. नेक्स्ट देख लेते हैं. व्हाइल स्टडिंग अ स्टूडेंट्स अटेंशन इन इज अट्रैक्टेड बाय अ सॉन्ग, दिस टाइप ऑफ अटेंशन इज नोन एज. इस तरह के अटेंशन को क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री अटेंशन, इनवॉलेंट्री अटेंशन, हैबिचुअल अटेंशन या फिर नॉन वॉलेंट्री अटेंशन. तो इसको हम लोग बोलते हैं हैबिचुअल अटेंशन, यानी कि स्वाभाविक ध्यान. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैकडगलस इनबॉर्न इंस्टिंक्ट्स आर द कॉजेज ऑफ इमोशन, सोशल बिहेवियर, इमिटेशन या फिर कॉग्निशन. तो ये सोशल बिहेवियर है, सामाजिक व्यवहार. ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं. द चाइल्ड हु इज इनकैपेबल ऑफ डूइंग द टास्क ऑन हिज ओन विच इज़ नॉर्मल अकॉर्डिंग टू द एज, विच काइंड ऑफ चाइल्ड इज ही शी. तो नॉर्मली वो चीज़ों को नहीं कर पाता है तो क्या बोलेंगे? बैकवर्ड चाइल्ड, टैलेंटेड चाइल्ड, क्रिएटिव चाइल्ड या फिर नॉर्मल चाइल्ड. तो ये हो जाएगा आपका बैकवर्ड चाइल्ड, यानी कि पिछड़ा हुआ बच्चा जो कि नॉर्मल भी चीज़ों को आसानी से नहीं कर पाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द यूनिट्स ऑफ डिफरेंसेज फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर सच एज मीन? रेंज बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन बोलेंगे या फिर मीन डेविएशन. तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, मानक विचलन. नेक्स्ट, विच वन इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी बढ़ाने में कौन सा हेल्पफुल होगा? राइटिंग डिफरेंट यूजेज ऑफ अ पीस ऑफ ब्रिक, राइटिंग डिफरेंट यूजेज ऑफ अ पीस ऑफ ब्रिक या फिर राइटिंग अ सेंटेंस 10 टाइम्स या फिर वर्किंग आउट 10 एडिशन प्रॉब्लम्स या फिर
काउंटिंग द अल्फ़ाबेट्स इन द सीक्वेंस। तो क्रिएटिव मतलब कुछ अलग करना, कुछ अच्छा करना, तो ये हो जाएगा आपका राइटिंग डिफरेंट यूजेस ऑफ अ पीस ऑफ ब्रिक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन ग्रुप आईक्यू टेस्ट या पर्सनालिटी टेस्ट या फिर वर्बल टेस्ट या फिर कल्चरल फ्री टेस्ट। तो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है कल्चर फ्री टेस्ट, यानी कि कल्चर बायस भी इसको बोला जाता है, या सांस्कृतिक मुक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी असेस्ड थ्रू प्रोजेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो ये कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट। द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी असेस्ड थ्रू ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ओके, हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इनिशियल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल सेंसेशन एंड परसेप्शन इन्वॉल्वमेंट कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज आउट ऑफ रॉ मटेरियल्स इज नोन एज, परसेप्शन बोलेंगे, मोटिवेशन बोलेंगे, सेंसेशन बोलेंगे या फिर इमेजिनेशन बोलेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं संवेदना, यानी कि सेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूज डज नॉट इंडिकेट द चिल्ड्रेन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट द डिफिकल्टी इन फॉलोइंग डायरेक्शन। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत दृष्टि बाधित बच्चों को नहीं दर्शाता है? ठीक है, नहीं दर्शाता है, इस पर ध्यान देना। तो पहला ऑप्शन है डिफ़िकल्टी इन फॉलोइंग डायरेक्शन, या फिर फ्राउनिंग यानी कि व्यग्र रूप से देखना, या फिर स्टम्बलिंग यानी कि ठोकर खाना, या फिर अनेबल टू एस्टिमेट डिस्टेंस यानी कि दूरी का अनुमान लगाने में असमर्थ होना। तो देखो, डिफ़िकल्टी इन फॉलोइंग डायरेक्शन ये आपका क्या दृष्टिबाधित बच्चों को नहीं दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विदड्रॉइंग बिहेवियर। तो विदड्रॉइंग बिहेवियर यानी कि प्रत्याहार व्यवहार का उदाहरण है। तो कौन सा है? गोपनीयता या फिर समाजशीलता या फिर समूह प्रियता या फिर शर्म। तो गोपनीयता जो है यह आपका प्रत्याहार व्यवहार का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि विदड्रॉइंग बिहेवियर का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गेव अ प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो कौन से थे? थर्नस्टन थे, स्पेयरमैन थे, स्टर्नबर्ग थे या फिर गिलफोर्ड थे। तो ये हैं आपका जो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, ये स्टर्नबर्ग ने दिया है। ठीक है, स्टर्नबर्ग के ट्रायर्किक थ्योरी को आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी। नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन स्पीच विच इज़ कंसर्न विथ क्लासिफाइंग द साउंड ऑफ लैंग्वेज, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स या फिर फोनोलॉजी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोनोलॉजी, ध्वनि विज्ञान। ठीक है, एज पर फ्लैंडर्स इंटरैक्शनल एनालिसिस द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर कैटेगरी अंडर टीच टॉक टेक टॉक इज क्या होगा? एक्सेप्ट और यूज आइडियाज ऑफ पीपल या क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी या फिर गिविंग डायरेक्शंस या फिर लेक्चरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सेप्ट और यूजेस ऑफ आइडियाज। ठीक है, विद्यार्थी के विचारों को स्वीकार करना या उपयोग करना। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरीड आउट इन पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। तो तीन फेज आपने पढ़ा होगा, तो पोस्ट एक्टिव फेज में पूछ रहा है कौन सा नहीं होता। डिफाइनिंग अ रियल बिहेवियरल चेंज या फिर सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन टेक्निक या फिर चेंजिंग द टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग या फिर सेटिंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो देखो, सेटिंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ये आपका पहले का काम होता है। पोस्ट एक्टिव टीचिंग का मतलब है कि मतलब इंटरैक्टिव के बाद यानी कि लास्ट वाला प्रोसेसिंग। तो सेटिंग ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ये पहले में आ जाता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स डेवलप क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, इंक्वायरी एंड परसिस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, क्रिएटिव लेवल या फिर मेमोरी। तो ये है आपका चिंतनशील स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, टू कॉम्प्रिहेंड वेल एंड टू रीजन वेल। हुज डेफिनेशन इज दिस? तो ये किसकी डेफिनेशन है? थॉर्नडाइक की, डेविड विशलर की या फिर अल्फर्ड बेने की या फिर रॉस की।
तो देखो डेफिनेशन है, डेफिनेशन बहुत सारे होते हैं, किसकी है याद नहीं होता, पर इसका देख लो अल्फर्ड बिने है। अगर एग्ज़ाम तक याद रहा तो ठीक, नहीं याद रहा तो फिर तो क्या ही किया जाए वैसे, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, कितना याद करेंगे तो हो नहीं पाता। तो अभी के लिए ये देख लो, जितना उस समय याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं ही हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशनल बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज़, तो ये है एवरीवन शुड बी इंक्लूडेड, एवरीवन शुड बी गिवन फैसिलिटीज़, या फिर एवरीवन शुड बी गिवन फ्री एजुकेशन, या फिर इंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन द एबिलिटीज़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरीवन शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है, सभी को सम्मिलित किया जाना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा में। ओके तो यहाँ पर आपके हो गए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, 30 क्वेश्चंस थे आपके टोटल। तो 30 क्वेश्चंस में आप बताना कि आपने कितना स्कोर किया, क्या आया क्या नहीं आया आपको, ठीक है। और जो लोग भी नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब कर ले, और क्योंकि और भी चीज़ें आने वाली हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। ओके और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।